हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल द डिवाइन संसार में हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे हनुमान जी की अलग अलग तस्वीर का है अलग महत्व, वास्तु अनुसार जाने लगाने की सही दिशा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में किसी तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हनुमान जी की पूजा अर्चना और व्रत आदि के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बजरंगबली भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होने पर मंगलवार के दिन सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति के मंगल दोष दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जी के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व बताया गया है। वहीं वास्तु शास्त्र में हनुमान जी अलग अलग फोटो को सही दिशा में लगाने से वे शुभ फलदायी होती हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी की किसी फोटो को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। पहला, पंचमुखी हनुमान। घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में किसी तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसे लगाने से घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अगर किसी जातक के घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है तो उसे हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन वाली फोटो लगाने की सलाह दी जाती है। दक्षिण दिशा में लगाएं हनुमान। मान्यता है कि हनुमान जी की फोटो को दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में हनुमान जी का प्रभाव ज़्यादा होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। लाल रंग के हनुमान। घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की लाल रंग की बैठी हुई फोटो लगाने से नेगेटिविटी का प्रभाव कम हो जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में खुशहाली आती है। हमेशा भगवान हनुमान की भक्ति भाव की तस्वीर के आगे बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान। राम दरबार में राम जी के चरणों में बैठे हनुमान जी का चित्र घर की बैठक में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, विश्वास, स्नेह और एकता बनी रहती है। पर्वत उठाए हुए संकट मोचन हनुमान। परिवार के सदस्यों में साहस और आत्मविश्वास की कमी होने पर घर में पर्वत उठाए हनुमान की फोटो लगानी चाहिए। इससे परिवार के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के